दिल कमजोर है यहाँ पे, 10 दिन से कमजोर हो रहा हूँ मैं। अरे मान लेंगे क्या, मेरे को इसको अपना भूत कौन दिख रहे दिन कौन दहाड़े। बस बैठे मेरे साथ आ गई। अल्लाह यार साला मर जाऊंगा ना जब एकदम पूछ लेगा कि हाँ भाई सही बोल रहा है लड़का है। अरे कभी, अरे साला 11 जनवरी से हो रहा है, 11 जनवरी से पहले से हो रहा है, जब मैं बाहर सोता था वहां कमरे में, वो पीछे वो टीन वाले कमरे में, रात को 3 बजा के गया कोई तो वहां तो मंदिर भी है। अच्छा बजरंगबली बैठे हैं वहां पे, क्या हो जाएगा मेरे को, और अभी दिखा है मौसी घर में ही, और क्या, बिना सर हाथ पैर कुछ था ही नहीं उसका, खाली पैर पैर दिखे मेरे को, और कसम से और कुछ भी नहीं, काले पैर दिख रहे हैं साले सिर्फ। भाई लगा लू अब छो छा जो चल रह गया मेरे को नहीं पता, पर मेरे को काला ही दिख प्रैंक रहा है कर कुछ रहा भी है अपनी है। मम्मी के साथ। कोई लड़की आई है तेरे साथ? अरे बलदा बलदा, ये मौसी कल कह दे रही है बलदा का हाथ दिखा लियो, अब है कौन बलदा मेरे को भी नहीं पता। खुशी आ गई तेरे साथ? खुशी कोई लड़की है? या गम? मैं तो पूछ करवा रहा हूँ भाई। हाँ 10 रुपये सिक्के, 11 रुपये भेंट चढ़ाऊंगा मैं, मेरे नाम के पहले ही बता दिया। मैं कोई नहीं, कितने में खुश होता हूँ मैं, साला अपना सारा शरीर रख दूंगा वहां पे, पर हटना चाहिए भाई ये वैम। भाई साहब आप लोगों को नहीं बताया हालत बुरी हो रही है यहाँ पे, रोज हर बार दिखता साला कुछ ना कुछ काला, और काला ही दिखता साला, कभी सफेद नहीं दिखा। अबे लड़की की शक्ल अच्छी नहीं होगी, और आप लोगों को उस दिन सफेद दिखा, मेरे को काला ही क्यों दिख रहा है भाई। नहीं होगी, इसलिए खाली पैर पैर लेके आ रही है। तो वही तो रहा है यार, थोड़ा अच्छा शक्ल का दिख जाए कुछ बात नहीं। अरे इतने दिन से बहम मिटा हुआ था मेरे का, तो मौसा होगा ठीक, मौसा सो गए, मौसा कुछ और लगा देंगे हम मेरे, मौसा अब विभूति की हालत में नहीं, मौसा मौसा दो लगाने की हालत है। और क्या वैम का इलाज करवा दो मेरे को, नहीं पता वहां से ही पूछ करा दो, यहाँ से ही पूछ। यार वो तो ऐसी शक्ल से डरावनी हो रहता है, वही जिसके पास आप जाते थे, गया हूँ मैं, पापा मैं आप गए थे पिछली बार हल्द्वानी में, औरत वो ऊपर उससे भीड़ लगी रहती है वो अम्बे माता वाली, सब यहाँ अच्छा। और क्या वो चिमटे चिमटे रखती है वो अम्बे माता वाली, गया था मैं कमरे में ऊपर 3री फ्लोर में, वो करती है कीर्तन भजन भूत बात निकालती है तो, अरे ऊपर नहीं है उस दिन गए थे यार, कीर्तन भजन करती है राहुल तेरे साथ ऊपर, कोई दोस्त होती है जो निपट गई? गया हूँ मैं वहां पे, आपके साथ ही गया था पापा और मैं, और आप गए थे अम्बे माता वाला था वो, ये बॉक्स वैसे चित्त सो यहाँ रखा पे है, गया था इसको भी भाई। इतने मजे की नींद धड़क रखी है। हाँ, मैं कहीं हूँ, मैं गया हूँ, आप रात वो छोड़ो, के 10:30 हो रखे हैं, अपनी मम्मी को परेशान अब करने बता वाला, दी मेरे को बेचारा फ्रेंक कर निकाल रहा दो अपनी भाई, मेरा मम्मी तो के बहुत साथ हो ही। रहा है सही बता रहा हूँ। भाई उस वो काले काले से, वो भाई बहुत दिन हो गए मेरे पीछे घूमते घूमते, बता आप अरे बता रहा उसको हूँ। पकड़ गई, वो मुंह देख लियो, मुंह अच्छा अरे नहीं पकड़ में तो होगा नहीं आ रहा साला, उसको। पता नहीं किसकी पकड़ में आएगा। अरे दिल कमजोर है यहाँ पे, 10 दिन से कमजोर हो रहा हूँ मैं, तो मैं वो मेरे को कमजोर कर रहा है भाई दिन भर दिन, मैं करूँ यार आपको मान कर रहे हो। मैंने इन सब, मैं जब भी आपको बताई नहीं थी घर पे भी, मैं कहा था मैं इन सबको कह रहा था पहले, मैं इनको बताऊंगा ना सीधा, गए चला गए हो, मौसी को बताई, मौसी ने सच मानी मेरी बात, सिर्फ लो भाई कर लो बात, लो मौसी डर का नहीं मरती किसी का। मेरे पितर बहुत खतरनाक चीज है ऐसे सर, अरे मेरे पितर बहुत खतरनाक चीज है, मेरे ऊपर हाथ बहुत बड़े इंसान के है ठीक है, कोई सांस नहीं लगा सकता मेरे,
ऐसे मेरा दादा दादी है अभी तक मेरे सर के ऊपर। भक्त भोले शंकर के हैं, उसके साथ रहेंगे ही। इसके सर के ऊपर खुशी का हाथ है, कोई नहीं दिखा लाएंगे। इसकी वाली खुशी का सगल अच्छी नहीं थी। अरे कुछ कर दे, व्यायाम हो रहा है बस, वो व्यायाम भी जाना मेरे को। इशार तो मार रहा हूँ, कल है। चोटी वाले के पास चलो ठीक है, कोई नहीं, सोचो। ठीक है सोचो, फिर मैं देखता हूँ साला कौन सा आंसर कटा हुआ है। कुछ कर नहीं, सूर्यनगर सूर्यनगर। अरे कुछ हो नहीं, पूरे पूरे दिन में सिर्फ सदा एक ही बार दिखता है। पूरे दिन में सदा एक ही बार दिखता है। अरे मैं कह रहा हूँ पूरे दिन में एक ही बार दिखता है वो, चाहे वो सदा रात को दिखे, चाहे वो सुबह दिखे, चाहे दिन में दिखे। कई बार तो सुबह सुबह उठा के भी वही जाता है। जस्ट अभी 5 मिनट पहले तो दिखा था, जब मैं फोन, जब तुम्हें मौसी बोला। यहाँ पे भी दिखा भाई, बहुत बार दिखा मेरे को तो। बस आप लोग में वो सीरियस रहते हो, कोई कुछ कर लेता कोई सीरियस है। आप लोग बीमारी का सीरियस ना तो मेरे रहन दो। मैं सारी चीज़ें जाऊँगा, मेरे को डर नहीं है किसी का। अरे मेरे को डर नहीं है किसी का। कई बार तो सवेरे सवेरे आता है, उठा देता है, उठ जा बेटा मेरा टाइम हो गया आने का। अपनी मम्मी को कितना बेवकूफ बना रहे। अरे अरे ऊपर का दर्द दिखे जब बताओगे तो आदमी की औरत है। औरत है इसकी खुशी है वो। अरे तो ऊपर का दर्द तो दिख रहा है मेरे को, टांग ही भाग, परछाई दिख रही है मेरे को तो, उसकी परछाई भाग रही है। खुशी है, तूने मेकअप के साथ देखा होगा आज बिना मेकअप के आई है। अरे कैसे, तो आप लोग ही पूछ रहे हो, खाली टेंशन मत आप लो, लोग खाली पूछ कह रहे रहा हो हूँ और अभी। की आदमी है, मैं कह रहा हूँ परछाई दिख रही है। अरे सब ठीक है, कोई चक्कर ही नहीं है। हाँ बताया मेरे को अपने साथ बजरंगली है। अरे कुछ नहीं यार, अरे हम शंकर भगवान के भक्त हैं, थोड़ा बहुत भूत के साथ खेलना हमें भी आता है। चल फिर अब रख दे हाँ फोन। ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है ठीक। काट दो लोग, मम्मी को भी परेशान कर दिया इसने, मुझे बेवकूफ बना दिया सबको। सीरियस नहीं लेते ये लोग। मेरे से कह रहे हैं कि मम्मी को ऐसा बोलना है कि हमने प्रैंक करा था, वो सच में प्रैंक था नहीं था वो आपको मैं बाद में बताता हूँ। बाकी मेरे हिसाब से तो प्रैंक नहीं था जो भूत वाला हुआ है, इनके हिसाब से प्रैंक था। इन्होंने मेरे को 2 लात 4 गुस्से 5 थप्पड़ मारे हैं ये बात बोलवाने के लिए। पीड़ित हो चुका हूँ गाइस मैं यहाँ पे आकर उल्टा गूंद के, ले जाओ मेरे को यहाँ से। कल गाइस मैं हिसार जा रहा हूँ, बाय, टेक केयर रुद्रपुर वालों, मेरी याद आएगी तुम्हें बहुत। वीडियो देखते रहना मौसी की। ठीक है यार, किस किस की पोल खुलवाओगे, दो चार आपके बारे में बात बोल तो क्या। क्यों बिस्ट किराना स्टोर, और वहां क्या कहते सिब्बू भैया की दुकान में भी तो जाता था। सिब्बू भैया मस्त बंदे हैं यार, अच्छे है ना? वो सिब्बू भैया एक नंबर है। हाँ, अरे अच्छे लगे सिब्बू भैया तुझे? बहुत सही है यार बंदे, वो हाँ उधारी में चीज बहुत खिलाते हैं उसने। उधारी कौन भरेगा? कोई भरेगा, इस मैंने मौसा के नाम पे 2,000 रुपए की उधारी खा ली है, पेट भर गया ना पर ना, नियत नहीं भर रही गाइस, क्या करें। शिबू भैया से कह देना, शिबू भैया मौसा जी से पैसे मत लेना। नहीं, अगला भी तुम दुकान चलानी है अगले को। आप तो सही कंजूस, अगले को गरीब कर रहे हो।
और कौन अच्छा लगा फिर इधर तुझे? योगू भाई, कब योगी भाई के साथ अपना फुल नेम क्या है? से ले लेगा मेरा फोन? तो योगी योगी भाई को भी दमका रखा है तूने तो अब। भाई अपना भाई है, छोटा खास है तो। योगी इसको ना टॉफी चॉकलेट वॉकलेट बिस्किट ला के देता था ना, इसलिए अच्छा है योगी। जब योगेश कोई चीज लाता था कैसे छुपा छुपा के लाता था। आता तो मेरे पास ही था वो। तो तुझे पता चल जाता था वो लेके आया है कुछ चीज खाने के लिए करके ना, तब फिर मार देने वाला हुआ तो योगी को नहीं देगा तो। नहीं यार ऐसी बात नहीं है, भाई का प्यार है वो। दो थप्पड़ खा भी, जैसे आज मैंने 5 लात दो घुसे, 4 थप्पड़ खाए हैं किसके हाथ से? आपके हाथ से। मेरे मैं मारी को ना। रोज यहाँ पे जबरदस्ती बिठाया जा रहा है कंटेंट देने के लिए कि हाँ भाई ये वीडियो बनाओ वीडियो बना। नहीं बनानी है मेरे को वीडियो, अब देखना कैमरा बंद होते मेरे थप्पड़े थप्पड़ मारेंगे दो नमा बेटे। ये सांड बिठा रखा मेरे को मारने के लिए, देख लो साला रोज प्रोटीन के डब्बे खा के खत्म कर रहा है मेरे को, मार रहा है फिर यहाँ पे। बता ना यहाँ पे कोई नहीं, पहली वार्निंग दे रहा हूँ, तुम नहीं सह पाओगे इतना। ये शहर से कि तो इतना दुबला पतला हो गया। और देखो मेरे मेरे गाल अब देखो गाइस कितने, आप लोग भी बताना, ये मोटा मेरे हो गया गाल यहाँ देखो आके, कितने पतले पतले हो गए, पतले हो गए, मोटा हो गया यहाँ आके। क्योंकि मौसी वैसे इतने तो प्यार मैं से खिला रही ना इसको, मारूंगा कितना नहीं तुझे। ये मौसी प्यार से खिला रही, तब अच्छा हो गया हो यहाँ मेरे आके ना। क्रिएटिन के पैसे बिल्कुल ट्रांसफर बिल्कुल। कर दे, बिल्कुल दे दो। आप कब आएगा फिर? मैं हुआ जब मैं कमाई धमाई करने वाला होता हूँ। या फिर मौसी को भी देगा फिर ये। चलो किसी ने ये तो नहीं कहा कभी नहीं आएगा, मतलब किसी को तो विश्वास है मेरे पे, मैं कमाने वाला बन जाऊंगा। बनेगा यार, पढ़ने लिखने वाला बच्चा है वो। मेरे को विश्वास है, तेरे को स्कैनर तो भी दिया है। चुप रहे, उधारी है, अब कल को लिफाफा भी देना पड़ेगा इसको, बड़ा लंबा चौड़ा। आज नगद कल उधार, कृपया उधार मांगकर शर्मिंदा ना करे। चलिए यहाँ से निकलिए, ठीक है यार बंद कर दो, अपना फोन मेरे को वायरल करना है। इन रील्स को देख देख के 2-4 रिश्ते तो आए गए होंगे मेरे भी तो, क्या करेगा रिश्ते लेके, अभी से बता बच्चा रहा है तू हूँ। अभी। अरे बता रहा हूँ मैं, कईयों की नजरों में आ गया हूँ मैं। हाँ यार बहुत हो गए। पैसा कैसे कमाएगा पैसा? दो चार लुगाई तो कल भी देख रही थी पार्टी में। अरे ये तो वही है, हाँ, कंटेंटर लुगाई इन्फ्लुएंसर लुगाई का भाई। कल पार्टी में बहुतों की नजर थी मेरे पे, ऐसे घूम घूम के देख रहे हैं लोग मेरे को। वो कंटेंट के लिए नहीं देख रहा था, वो तो नान खा रहा था ना जो भर भर के, उसके लिए देख रहा था तुझे। यार एक बात तो, 7 नान ज्यादा होते हैं कोई, मेरा भोला सा मुंह इतना सा थोड़ा पतला होगा मैं यहाँ के। ऐसे 3 गुलाब जामुन है वो भी तो बता। तो चावल भी खाए हैं, 5 कटोरी रायता ही पिया है, कोई सारी सच्चाई ना बोलो यार। ऐसा कुछ नहीं है रे, ये झूठ बोल रहे हैं लोग। फिर हमारी भावना मौसी देख के कुछ कुछ बोलेगी, बाकी हमारी एक भावना मौसी है बहुत प्यारी है वो, मोटी सी छोटी सी हाइट की, प्यारी है यार बहुत प्यारी है मौसी हमारी। कितना ही कुछ कह लो मौसी को बुरा नहीं लगता। अरे जो वो मौसी वाई दू रुनो खानो मौसी था। चाहे वो मौसी का भी फोन करके कुछ भी कह दूँ, कुछ भी से गालियाँ नहीं है मेरा मतलब, कुछ भी तंग कर दूँ मौसी को, कुछ भी कर दूँ मौसी बुरा नहीं मानेगी। ऐसा मान बस लो मौसी सीधा मुंह पे मेरा फोन काट देगी और कुछ नहीं करेगी, भाई। और फोन नहीं उठाती फिर मौसी मेरा। फिर हाँ मौसी ने मेरा नंबर ही ब्लॉक कर दिया, अभी तो ऐसा ही है भाई, अब फोन आते तो फोन भी अब भोई नहीं। उस टाइम में बस में बैठा हो जाओ। हाँ खुश होगा कल मैं बहुत ज्यादा खुश हो ला, दुखी हो कि यहाँ से जा रहा हूँ यार। कितने यार। आ कितने 15 16 16 17 दिन के बाद यहाँ जा तेरे रहा को, है। यहाँ की तरह गाड़ी नहीं मिलेगी पहली बार, क्यों नहीं मिलेगी कोई कद्दू भी ना था तेरे को देख गाड़ी, तू। जिस हिसाब से तू गाड़ी चलाता रहा उस हिसाब से कोई देगा आज पटाखे हो गए भाई, तेरे को। आज कल को फिर पटाखे दूध बजाएंगे। लाएगा देख ये कल मेरा, कल दिन भर तो काम करेगा, रात की है इसकी बस। लिया सच्चाई आज खुद बोल दी मौसी, कल
करेगा। मेरे ख्याल तूने दिल उसका तेल गिराया ना, तूने खराब कर दी गाड़ी। सारी दुनिया चल फिर चल सो जा। चल यार ठीक है, खाली ठीक मम्मी है, को भी परेशान कर दिया बिना इसने। पैसे वाले मजदूर की तरफ से राम राम, बाय, गुड नाइट, टेक केयर।